हेलो, क्या हाल है? तुम लोग के मीटर अच्छे हो गए? मैं हूँ हमजा और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मुझे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 9:30 हो रहा है और मैं जल्दी उठता हूँ क्योंकि आज रिजल्ट है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ क्योंकि अल्लाह मालिक है भाई जी, जैसे पेपर दिए वैसे ही तो रिजल्ट आएगा। और अकॉर्डिंग टू मी मेरे पेपर बहुत अच्छे गए हैं। आई मीन जो ख़राब करेगा वो मैथ ही ख़राब करेगा, बाकी सब में तो अच्छे नंबर आ जाएंगे क्योंकि मैथ सिर्फ ऐसा हो एक वाहि पेपर है जिसमें मेरी चीज़ें छूटती हैं। या ओके, बस अब आधे घंटे में मुझे तैयार हो रहे हैं भैया, फ्रेश होके रेडी होके आपसे मिलते हैं। ओके, सो आई एम रेडी। स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह सब पहन लिया है मैंने और आई रियली होप यार सिर्फ इस दफ़ा पोजीशन आ जाए क्योंकि ये फाइनल क्लास है मेरी। इसके बाद तो मैं 9-10 में चले आऊँगा इंशाल्लाह और फिर बोर्ड के पेपर आएंगे। तो या आई रियली होप यार अल्लाह सिर्फ इस दफ़ा लास्ट पोजीशन आ जाए। वेल एनी वे, स्कूल में मैं ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यू नो मैं बहुत शाई हूँ, आई गेट एक्सट्रीमली ऑकवर्ड इन पब्लिक। सो या नहीं कर पाऊँगा भाई मेरे शायद मैं रिकॉर्ड ज़्यादा क्लिप्स, पर कोशिश मैं पूरी करूँगा लेकिन आई डोंट रियली थिंक सो कर पाऊँगा। वेल अभी तो बस हम निकल रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। सो या निकलने के टाइम में मिलते हैं। Eventually. राइट, सो हम रिजल्ट लेने निकल चुके हैं। हम से मेरा मतलब मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, नहीं मैं हूँ हमेशा, मेरी मम्मी है, सारी गलत हो गया। और बस अब मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ और मैं नहीं चाहता दो लोग आए कट्टा दिखाएं और मोबाइल ले जाएं मेरा। कराची चल, कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। ए छोड़ कल, तू आज ही चल मेरे आगे कराची, कराची ना कर शबाहुर। ओके, सो हम स्कूल के बाहर पहुंच चुके हैं। जो ब्लू ब्लू फेंस टाइप रेलिंग टाइप है स्टेयर्स के ऊपर, वो हमारे स्कूल का एंट्रेंस है, बैक साइड वाला। फ्रंट साइड से नहीं जा रहे हम, बैक साइड से आ रहे हैं। स्कूल में पहुंच चुका हूं लेकिन कैमरा बंद कर रहा हूं मैं क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी टीचर वगैरह की बिना परमिशन के वीडियो आ जाए। और या सिर्फ यही वीडियो बनाई मैंने स्कूल में क्योंकि रीज़न ये था वहाँ रश बहुत ज़्यादा था और ऐसे ही किसी की परमिशन के बगैर मैं थोड़ी फेस डाल सकता हूँ किसी का। ओके, तो रिज़ल्ट ले लिया हमने, घर जाके बताता हूँ क्या है। और हम करेंटली अभी बिनाशिम में क्योंकि मेरे नूडल्स ख़त्म हुए हैं और तुम लोग को पता है मैं नूडल्स के बगैर नहीं रह सकता, तो अभी नूडल्स ढूंढते हैं। 2000 years later. शुक्र है यहाँ पे शूप का पास्ता और चीज़ ले और मिला, मेरा फेवरेट फ्लेवर है ये दोनों, लेकिन ये हर जगह से मिलते नहीं है तो शुक्र है यहाँ पे मिल गया। और मैं तो उठा रहा हूँ भाई, अच्छे खासे जमा कर लेता हूँ मैं। चीज़ वाला कहाँ है? वो रहा, मिल गया, ये रहा। चीज़ वाले भी ले लेते हैं जितने हाथ में आए हैं। डन, बिन हाशिम का काम तो हो गया सारा। बिन हाशिम से निकल गए हम और शुक्र है वो नूडल्स भी मिल गया मुझे जो मैं ढूंढ रहा था। और बस अब हम डायरेक्ट घर जाएंगे, घर पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं। 2 hours later. ओके, सो रिजल्ट लेके आ चुका हूँ और एज एक्सपेक्टेड सेकेंड ही आया हूँ पिछली बार की तरह। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद डैट क्योंकि यू नो मैंने सेकेंड ही एक्सपेक्ट करा था और रिपोर्ट कार्ड मेरी स्क्रीन पे आ गई होगी, देख लो। और इसके अलावा 3 सर्टिफिकेट भी मिले, वो भी दिखाता हूँ उन लोग। ओके, तो ये रहा पहला सर्टिफिकेट, मेट्रोपॉलिटन अकेडमी सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। दिस इज़ टू सर्टिफाई डेट हमजा उस्मानी सन ऑफ आकिल उस्मानी। ओ, मेरे अबू का नाम रिवील हो गया। स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सेक्शन ई हैज़ बिन टाइटल द बेस्ट परफॉर्मर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज एकेडमिक एक्सीलेंस बाय सिक्योरिंग सेकंड पोजीशन इन क्लास स्कोरिंग 89.50% मार्क्स ड्यूरिंग दिस सेशन। वेल इट मेक्स सेंस बिकॉज यू नो आई एम रियली स्मार्ट। मस्त जोक मारा। ओके, तो दूसरा सर्टिफिकेट भी है, ये मेट्रोपॉलिटन अकेडमी, वही लिखा हुआ है, बस इसमें लिखा हुआ है सन ऑफ आकिल उस्मानी स्टूडेंट क्लास 8 ई हैज़ बिन टाइटल MPA आर्टिस्ट। यू कैन से दैट, आई मीन आई एम प्रेटी गुड एट ड्राॅइंग, अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ लेकिन या दैट्स फैक्ट्स। और तीसरा सर्टिफिकेट है सन ऑफ आकिल उस्मानी स्टूडेंट क्लास सेक्शन 8E हैज़ बिन टाइटल सुपर साइंटिस्ट। लाइक साइंटिस्ट सीरियसली, ऐसा क्या ईजाद कर लिया मैंने, मुझे ही नहीं पता। वेल आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मेरा तो फायदा ही हुआ, मुझे एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिल गया। ओके, सो सिंस ये मेरा लास्ट ईयर था जिसमें मैं पोजीशन या ट्रॉफी ले सकता था क्योंकि मैं 9 में आ चुका हूँ, 9 में बोर्ड के एग्जाम जो था उसमें वो नहीं मिलता, सिर्फ परसेंटेज मैटर करती है। तो या मैंने सोचा कि अपनी यू नो ट्रॉफीज थोड़ा सा दिखा देता है, मैं शो ऑफ तो करना नहीं चाहिए लेकिन मैं करूँगा क्योंकि मेरा चैनल मेरी मर्जी। ओके, तो टोटल 5 ट्रॉफीज़ है मेरे पास और 8 साल में 5 ट्रॉफीज़ मैंने ली हैं, विच इज़ नॉट बैड। और ये है सबसे पहले 1 क्लास की मेरी फर्स्ट पोजीशन, सिर्फ इसी में फर्स्ट पोजीशन आई, उसके बाद से मैं सेकेंड में आ गया। तो या सब ये रहा लिखा, प्राइज एडिशन, प्राइस एरुडिशन 2015-16 अवार्डेड टू हमजा उस्मानी क्लास 1E इन रिकॉग्निशन ऑफ अकॉम्पलिशिंग फर्स्ट पोजीशन।
और इस पे ना, इस पे भी स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन यू नो वो मैंने जब ही उखाड़ दिया था, वन क्लास में उखाड़ दिया, तो अभी मैंने इसको मार्कर से नाम लिख के जुगाड़ करा हुआ। और ये मेरी ही है, ये देख लो, इस पे लिखा हुआ 2015 to 16, और मेरी टू क्लास वाली पे लिखा हुआ है 16 to 17, विच प्रूव्स के ये मेरी ही ट्रॉफी है। और ये रही मेरी टू क्लास की सेकेंड पोजिशन, ये रही मेरी थ्री क्लास की सेकेंड पोजिशन, 4, 5, 6 में मैंने नहीं ली, क्योंकि फोर क्लास में ऐसे ही नहीं ली, फोर्थ आया था मैं, और फिफ्थ और सिक्स में कोविड की वजह से लोगों ने दी नहीं थी। सोया ये रही सेवन की फिर सेकंड पोजीशन, 5, 4, 5, 6 में मैंने नहीं ली, ये सेवन की है, और ये है इस दफ़ा की एट की। या मुझे पता है तुम लोग जल जल के मर गए, मुझे पता है मुझे जलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन यू नो मैं जलाऊंगा, क्योंकि मज़ा आता है यार लोगों को जलता हुआ देखने में। वेल सो अब मैं बस बहुत थक चुका हूँ, आई मीन थका तो नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बस अब वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब क्या बोलूँ, बस हो गया ना, रिजल्ट दिखा दिया, बस जो इंटरेस्टिंग होगा दिखाता रहूँगा। सो या अभी के लिए तो यार बस जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी जोहर की जमात का भी टाइम हो रहा है, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज करे, अभी 10 मिनट में जमात है और मैंने कपड़े भी नहीं चेंज करे, आई थिंक आई शुड प्रॉबली चेंज। सो या अभी जो इंटरेस्टिंग होगा तो दिखाऊँगा तुम लोग को। सो या अभी के लिए तो बाय। 6.5 hours later. Okay, so पूरे दिन के बाद मैं अब तुम लोग को रात के टाइम शक्ल दिखा रहा हूँ, 8:30 हो रहे हैं। तो या पूरे दिन बस मैं ऐवें ही लेटा रहा, आई नो बहुत बहुत अच्छी रूटीन है ये, लेकिन या और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर मेरा कोई अच्छा हो और मैं खुद को ट्रीट ना करूँ बाहर के खाने से, तो या ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी मैंने ये नो अल्फ्रेडो पास्ता मंगवाया है, आई मीन करीब की लोकल जगह से ही मंगवाया है, क्योंकि यू नो अभी ऐसे ही मैंने अभी स्टार्टर के तौर पे मंगवाया है, मेन चीज़ मेरी आ रही है अभी। ओके तो अभी टेस्ट टेस्ट करके बता दूँ कैसा है। नाइस है तो बहुत मज़ेगा। तो यार बस अभी मैं इसको खाऊंगा, और मेरी अभी एक मेन चीज़ आ रही है, वो भी तुम लोग को दिखाऊंगा, तो अभी तो मैं ये खाता हूँ, तक के लिए बाय। इवेंचुअली ओके तो जिस मेन चीज़ की मैं बात कर रहा था वो है मेरा फेवरेट ब्रॉडवे का पिज्ज़ा। आ हा हा हा, चेक करो कितक 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 प्यारा लग रहा है ये। मैंने ये 20 इंच का हाफ मंगवाया है, इसमें ऑप्शन था स्प्लिट्ज़ा का, मतलब दो स्लाइस में किसी और फ्लेवर के कर सकता और दो स्लाइस किसी और फ्लेवर के, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही फ्लेवर के करवाया, क्योंकि मुझे ब्रॉडवे का सिर्फ एक ही फ्लेवर अच्छा लगता है। भैया ये है वो मेन चीज़, चेक करो कितना प्यारा लग रहा है। ब्रॉडवे वाले अब तो स्पॉन्सर कर दो, इतनी वेट लिफ्टिंग कर ली। ये सॉस वगैरह का पैकेट है, इसको मैं यू नो एक हाथ से खोल नहीं सकता। ये रहा इनका यू नो बारबेक्यू रैंच सॉस, एक हाथ से चीजें करना कितना मुश्किल होता है। ये खुलेगा नहीं, हम खुल गया, गुड खुल गया। तो या ये रहा हमारा एक्चुअल फूड। हाँ हाँ ये चेक करो, सुम ब्रॉडवे का 20 इंच का स्लाइस। अब इसको पहले हम यू नो सॉस में डिप करेंगे, अब टेस्ट टेस्ट करके बताते हैं कैसा। नाइस एज अमेजिंग एज ऑलवेज, ब्रॉडवे फेवरेट पिज्ज़ा प्लेस है मेरी हमेशा की तरह, अच्छा है भैया। आई मीन मुझे तो पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे हर जगह पसंद आया था, लेकिन ब्रॉडवे फेवरेट जगह है मेरी पिज़्ज़ा की। सो या आई मीन अभी मैं इसको भी खाऊंगा, क्योंकि यू नो वो मैं आधे ही खाया था पास्ता, क्योंकि यू नो मैं मेन चीज़ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये है असल ब्यूटी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आई होप तुम लोग को पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और अब मैं बिल्कुल मिलने के लिए बाय।